हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे ग्रैंड लीग क्रिकेट T20 जो खेला जाएगा इंडियन कैपिटल और एस्थिमन सुपर स्टेट का बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में जो खेला जाएगा आज इंडियन समय अनुसार 6:30 PM में। और ये 6:30 में खेले जाने वाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच, अगर बॉलिंग पिच है तो कौन सा बॉलर को रखना है, अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन को लेना है, और अगर बैलेंस पिच है तो कौन सा ऑलराउंडर को लेना है, कौन सा बैट्समैन को लेना है, कौन सा बॉलर को लेना है। सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बी डॉट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ ये भी बताएंगे डर्म कार्ड का रिक्सी प्लेयर कौन होगा और डर्म कार्ड का सेफ प्लेयर कौन होगा, ग्रैंड लीग में किसे ट्राई करना चाहिए और स्मॉल लीग में किसे ट्राई करना चाहिए। सारा बात बताने के बाद इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा एक बार देख लेंगे तो आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग, हेड टू हेड लीग, कुछ भी लीग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से टीम लगा सकते हैं। यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में आ जाते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में वैन डुक का सेलेक्शन परसेंट हाई है लेकिन बैट्समैन की दृष्टि से काफ़ी शानदार बैट्समैन है। उसके बाद देखिए यू वेटरन, इनका रिकॉर्ड और वैन डुक का रिकॉर्ड और गोस्वामी का रिकॉर्ड सेम अतरा पतरा है, सेम टू बराबर जिसे आप लोग कह सकते हैं। लेकिन यू राइट 2 नंबर में बैटिंग करेगा, वैन डुक 3 नंबर में बैटिंग करेगा, गोस्वामी 4 नंबर में बैटिंग करेगा। और देखिए इन तीनों में से किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है, किस कंडीशन में और ग्रैंड लीग में किसे रखना है, स्मॉल लीग में किसे रखना है, हेड टू हेड में किसे रखना है। अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हैं तो वैन डुक और यू टाइट को साथ जा सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाना चाहते हैं तो एक गोस्वामी को अपने टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि 4 नंबर में बैटिंग आएगा और सेलेक्शन परसेंट भी लो है। जब अगर इनका बल्ला से 10-20 पॉइंट अगर रन निकल गया है तो आपको ड्रीम टीम के अंदर आ सकता है। हालांकि बैटिंग पिच है तो आपको 2 विकेटकीपर तो लेना ही पड़ेगा, चाहे हस्के ले या रोकवे ले, जैसे ले 2 विकेटकीपर आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 विकेटकीपर लेने के बाद बैट्समैन में आइए। बैट्समैन में आने के बाद गौतम गंभीर, गौतम गंभीर का रिकॉर्ड ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। गौतम गंभीर का रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं, अच्छे प्रदर्शन है। अब यहाँ पर देखिए के पर्सन, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है, भले खेलेगा टॉस होने के बाद ये जरूर देखना कि इनका लाइनअप में नाम कितने नंबर में है। अगर 4 से 5 नंबर तक इनका नाम रहेगा तो जो प्लेयर को उस प्लेयर को शामिल करना है, और जिसे 4 से 5 नंबर तक नहीं नाम रहेगा उन प्लेयर को आपको हटा देना है। क्यों हटा देना है? T20 है, T20 में या तो ओवर ख़त्म हो जाता है या तो जब उनका बल्लेबाजी करने का मौका भी नहीं मिलता है। बाय चांस विकेट गिर गया तो मौका मिल जाता है, अगर विकेट नहीं गिरा तो इन्हें मौका नहीं मिलता है। ये अब अरुण फिंस एक अच्छा बल्लेबाज है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, अगर खेलेगा तो अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इनका मौका अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकते हैं और सेलेक्शन परसेंट भी कम है। ग्रैंड लीग में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ग्रैंड लीग का रिक्सी प्लेयर होगा, अच्छे खासे पॉइंट आपको दे सकता है। R12 को अपने टीम में खेलेगा तो जरूर रखिएगा, ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, अच्छे खासे बैट्समैन है। हेमोवेल का अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन करने का अथी है, रिकॉर्ड अच्छे हैं। आरोवेल ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद लगते हैं। इस वेड का ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, अच्छे खासे बैट्समैन है और अच्छे खासे बैट्समैन है। तो इन सब में से तो आपको हर एक प्लेयर को तो नहीं रखना है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि जो प्लेयर को मैं बता रहा हूँ
अगर उनका मौका बैटिंग करने से 4 से 5 नंबर में नाम शामिल है तो उस टीम से अपने जरूर पिक कीजिएगा। अगर उनका लाइनअप में नाम नहीं शामिल है तो 4-5 नंबर में उसे ड्रॉप कर दीजिएगा। यह मैं 2 बैट्समैन को ले लिया हूँ, एक डन कार्ड के रूप में अरुण प्रिंस को लिया हूँ, इसीलिए 2 विकेट कीपर लिया हूँ, 3 बैट्समैन लिया हूँ। 3 बैट्समैन लेने के बाद देखिए आपको पिच रिपोर्ट बता देते हैं क्यों लिया हूँ, किस कंडीशन में, आप खुद समझ सकते हैं। पिच रिपोर्ट जो है ये बैटिंग पिच है, और बैटिंग पिच है तो यहाँ पर गुड फॉर पेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर है जो 166 है। अब वेन्यू पर जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो है दुबई में खेला जाएगा। यहाँ पिच रिपोर्ट बैटिंग पिच है और गुड फॉर पेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 166 है, वेन्यू पर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में ये मैच खेला जाएगा। मैंने अभी तक देखा हूँ देहरादून में जो उतने भी मैच होता है वहाँ पर बैटिंग पिच है, अच्छे एवरेज बन जाता है। T20 में मैंने देखा हूँ 200+ बनने का संभावना हो सकता है, इसीलिए आप अपने टीम में स्ट्रॉन्ग ही बैट्समैन ले और स्ट्रॉन्ग ही बैट्समैन पर रिक्स ले या डर्म कार्ड के प्लेयर के रूम में लेना चाहिए। जिस तरह से मैंने गोस्वामी को लिया हूँ, ये अच्छे बल्लेबाज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, कभी भी लंबे स्कोर खेल सकता है और सेलेक्शन परसेंट भी कम है, डर्म कार्ड के रिक्स प्लेयर हुआ है। 1 विकेट कीपर में मैं रिक्स लिया तो दूसरे में सेव लिया हूँ। उसके बाद देखिए बैट्समैन में मैं ले लिया हूँ गौतम गंभीर, ओपनर है और अच्छे खासे बल्लेबाज है, अनुभवी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। अपने जमाना में गौतम गंभीर जो है जाने पहचाने बल्लेबाज माना जाता है था, और इसलिए के प्रोडक्शन का रिकॉर्ड, रिसेंट के फॉर्म भी ठीक ठाक है, इसलिए मैं इन दोनों को पिक कर लिया हूँ। 1 अरुण प्रिंस का पिक किया हूँ, अगर खेलेगा तो अरुण प्रिंस जो है ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, अच्छे खासे बल्लेबाज है। क्योंकि मैं इसलिए इस प्लेयर को लिया हूँ, टॉस होने के बाद चेंज हो जाता है, कभी जिनका लाइनअप में नाम शामिल होता है 5-6 प्लेयर चेंज कर दिया जाता है। हालांकि इनका लाइनअप में अभी नाम शामिल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया हूं, और मैं गरेंड लीग का 2 से रिक्सी प्लेयर तो मैं ले लिया हूं। मैं गरेंड लीग का हमेशा रिक्सी प्लेयर बनाता हूं और गरेंड लीग का मैं रिक्सी कैप्टन और वाइस कैप्टन देता हूं। अगर आप सेव देना चाहते हैं तो सेव दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले मेरे वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्लेयर के बारे में बता देता हूं, तब जाकर मैं कौन प्लेयर को लेता हूं, कौन प्लेयर को मैं ड्रॉप करता हूं, मैं अपने हिसाब से करता हूं। अगर आप पूरे वीडियो देख लीजिएगा तो आप अपने हिसाब से टीम क्रिएट कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलने का संभावना बना रहता है, और ज़्यादा प्रॉफिट के साथ साथ आप अच्छे खासे विनिंग भी कर सकते हैं, 1 दिन नंबर 1 रैंक भी आ सकते हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन में बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में एन नेसूर का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहेगा, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, और ठीक ठाक प्रदर्शन के साथ साथ अच्छे खासे बैट्समैन है, और बी वेसर खेलेगा तो ये डर्म कार्ड का रिक्सी प्लेयर रहेगा, रिसेंट के फॉर्म काफ़ी अच्छे हैं, तो अपने टीम में जरूर रखिएगा। एस धवन को अपने टीम में जरूर रखिएगा, ये बॉलिंग करने का इनका 4 ओवर पूरा करता है। आज ही जो मैं जानता हूँ बैटिंग पिच है तो फिर भी मैं कैप्टन दूंगा, बैटिंग को और बॉलिंग ये दोनों से अच्छे खासे प्रदर्शन करता है मौका मिलने पर। यहाँ पर मैं 3 ऑलराउंडर ले लिया हूँ, 3 ऑलराउंडर लेने के बाद देखिए 1 मैं 3 टर्म कार्ड प्लेयर अभी तक में मैं ले लिया हूँ, अगर खेलेगा तब लाइनअप में नाम शामिल आएगा तो इसे जरूर रखिएगा, क्योंकि इन टीम में बॉलिंग कर बॉलर कम है तो इसे 4 ओवर करवाया जाएगा, 1-1 विकेट आपको ले लिया तो ये बॉलर आपको डर्म कार्ड और रिक्स प्लेयर के रूप में शामिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में जे वटन जो है स्पिनर है, अजय वटन खेलेगा कभी नहीं खेलेगा, और एस लखन
जो खेलेगा रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं रिसान के फॉर्म, मैं ये नहीं कहता हूँ जिनका सिलेक्शन परसेंट हाई है उसे लीजिए। मैंने अभी तक जिनका सिलेक्शन परसेंट लो है तीन ले लिया हूँ। अब यहाँ पर थर्ड वेटरन को मैं अपनी टीम में लिया हूँ, एक मैं लूँगा एम पटेल का लिया हूँ। इससे क्यों मैं इसे लिया हूँ, क्योंकि अनुभवी के साथ साथ एक्सपीरियंस बंदे भी है, रिसाउंड फॉर्म भी ठीक ठाक है और ये मेरा डर्म कार्ड का रिक्सी प्लेयर हो जाएगा। मैंने पांच छः का कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूम में किसे रखना चाहिए किसे नहीं, और कैप्टन के रूम में एस रमन को ठीक ठाक रहेगा, सिलेक्शन परसेंट कम है, दोनों टीम जो है एक तीन और एक पाँच का कॉम्बिनेशन है, हर कोई गौतम गंभीर के साथ जाएगा, सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन इसे देगा, लेकिन मैं सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं दूंगा। अगर मैं कैप्टन पर रिक्स लूँगा तो वाइस कैप्टन सेफ दूंगा, अगर मैं वाइस कैप्टन पर रिक्स लूँगा तो कैप्टन सेफ दूंगा। यहाँ पर मैं कैप्टन इसे दिया हूँ तो वाइस कैप्टन इसे दे दिया हूँ और सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। मैं जो बनाता हूँ ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाता हूँ। अगर आप ग्रैंड लीग का सेफ टीम बनाना चाहते हैं तो अलंडर में कैप्टन इसे दे दीजिएगा और गौतम गंभीर को दे सकते हैं, लेकिन मैं ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाता हूँ तो मैं बॉलर को बेस्टिंग पिच रहता है तो बॉलर से भी कैप्टन दे देता हूँ, ओलंडर से भी कैप्टन दे देता हूँ, बैट्समैन से भी कैप्टन दे देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है या तो मेरा जो है एंट्री फीस डूबेगा या तो मैं 10% कम से कम प्रॉफिट जरूर करूंगा। इस तरह से जब मैं टीम बनाता हूं तो मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन भी फ्लॉप्स हो जाता है तो फिर भी मेरा एंट्री फीस नहीं डूबता है। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।